मीटिंग आज तो चेयरमैन की इतनी बड़ी बात नहीं है, चेयरमैनशिपी पे कोई दौलत नहीं है, कोई भी हो सकता है। असल मुद्दा, असल मकासद जो हमारा है वो यूनिवर्सिटी के जो हमारे मुश्तरिका कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, कदर मुश्तरिका होती हैं। जनाब स्पीकर साहब, बलूचिस्तान की गैरत कदर मुश्तरिका है, सबका है, हर घर का है, हर कबीले का है, हर तबके का है। जिस तरीके से ये अमल पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जो टेलीफोने आ रही हैं, हमारे लिए कोई अच्छा नेक शगुन नहीं है। मैं तो समझता हूँ सबसे पहले कमेटी से सबसे पहले आज ही हम साथी बैठे हुए हैं, ये वाइस चांसलर क्यों बैठा हुआ है? इसकी तो ट्रांसफर होना चाहिए। ये क्या देख रहे हैं हम पूरे बलूचिस्तान के असेंबली के फ्लोर पे बैठे हुए, हम तकरीर करके करके एक वाइस चांसलर यहाँ से ट्रांसफर हम नहीं कर सकते हैं? अगर हालत यही रही, हम कुछ फैसले नहीं कर सके। गैरतमंद बलोच हैं, इस तरीके से अव्वल रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि चीज़ों को रोकें। कोई किसी को ये इजाज़त नहीं देगा कि अपने बच्चों को वहाँ से अपनी गरीबी मजदूरी करके कॉलेजों में पढ़ाने के लिए इस नियत के कल वो बड़े प्रोफेसर बनेंगे, वकील बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और यहाँ आके उनकी इज्जत के साथ, जिस तरीके से ये पश्तून का मसला नहीं है, बलूच का मसला नहीं है, हजारा का मसला नहीं है, पूरे बलूचिस्तान का मसला है, इसमें सारे कौम रहते हैं। मैं कहता हूँ आज ही सारे इकट्ठे होके खड़े होके ये मुतालबे पे भाई एक जुबान होके, एक आवाज होके, कम से कम इस वाइस चांसलर को तो निकालें, इस गंद को तो यहाँ से निकालें। पूरे यूनिवर्सिटी को इसने गंद की हुई है, इसके आंखों के नीचे जो चीज हो रही है इन्होंने नहीं देखा। कहता मैं तहकीकात कर रहा हूँ, आपने एक साल में क्या तहकीकात किया? देखें ना, बहुत से जगहों पे यही हुआ था कि जनाब यहाँ तो अदारे आएंगे, यहाँ पढ़ाई होगी, अच्छी अखलाक, अच्छी इंसानियत होगी, यहाँ सारे चीज़ कंट्रोल में होंगे, कोई गलत बंदा नहीं आएगा, कोई यहाँ छरसी नहीं आएगा, कोई यहाँ मंशिया क्रोश नहीं आएगा। ठीक है, हमने सब चीज़ तस्लीम किया, सारे अदारे वहाँ आए, उसकी नतीजा आज रिजल्ट क्या निकला? क्या दर्स दे रहे हैं? ये तहजीब है? ये इंसानियत है? मैं यही समझता हूं, मैं अपनी पार्टी की जानिब से कम से कम इसको तो एक ही घंटा एस वी सी को यहाँ रहना नहीं चाहिए, ताकि कमेटी बाद में बनेगी, अपनी रिकमेंडेशन देगी। कोई साथी यहाँ बता रहा था कि जनाब ये कमेटी क्या कर सकती है, हम क्या तहकीकात कर सकते हैं? बलूचिस्तान के असम्बली में बैठे हुए ये बलूचिस्तान के अवाम के नुमाइंदे ये फैसला कर सकते हैं, इनमें यह सलाहियत है, बशर्ते कि हम कम से कम अपने यूनिटी पैदा करें। एक चेयरमैनशिपी के लिए अगर हम लड़ते रहे, मैं चेयरमैन बनूंगा, वहाँ तो लोगों की बेइज्जती हो रही है, बाथरूम में कैमरे फिट हो रही है, इज्जत के साथ कहली जा रही है, हम अपनी चेयरमैनी पे पड़े हुए हैं, जो बन सकता है चेयरमैन बने। हमें वो टारगेट चाहिए, इस चेयरमैनी के लिए हम तरस नहीं रहे हैं, हम टारगेट हमें चाहिए कि आइंदे के लिए कोई बलूचिस्तान के शमाल और जुनूब में जहाँ कहीं से कोई आए, कम से कम उसकी वालिद मुतमईन रहे कि मैं एक दरसगाह में अपनी बच्ची को भेज रहा हूँ, उसकी हिफाजत होगी। उस्ताद का काम, ये उस्ताद डे होता है दुनिया में, कि आज उस्तादों का डे है, उस्तादों से सीखना है। ये क्या मैसेज दे रहे हैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में? पहले कहीं हमने ये नहीं सुना है। ये तालीम दुश्मनी है, इंसानियत दुश्मनी है, बलूचिस्तान दुश्मनी है। इस वी सी को यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में सारे इकट्ठे होके इस फ्लोर पे पांच मिनट के लिए खड़े हो जाएं, एहतजाजन खड़े हो जाएं, सारे इकट्ठे हो जाएं, ताकि इस वीसी को यहां से निकाला जाए।